डियर स्टूडेंट्स, लिटमस टेस्ट तैयार है। 30 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट अभी हम लोग बनाएंगे। इसमें चार ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लिटमस टेस्ट जब भी आएगा ऑप्शंस उसमें चार होंगे, जबकि काले ब्लैक थंबनेल वाला जो सेट आएगा उसमें पांच ऑप्शंस होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं इस सेट को। 25 प्लस का आप टारगेट रखें, 20 प्लस तो आपको करने चाहिए, लेकिन 20 से कम है तो आपको रिवीजन बढ़ाना चाहिए। टेंशन नहीं लेना है, रिवीजन बढ़ा देना है। टॉपिक्स तो आप कर रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत आप भूल रहे हैं, इसके कारण कन्फ्यूजन से प्रश्न गलत हो सकते हैं। पूरा लास्ट का एग्जाम का जो एक महीना है वो रिवीजन के लिए मिलेगा, तो आप टेंशन ना लें, घबराएं नहीं। कम होने का मतलब है आगे के लिए चुनौती, तो आप इस चुनौती को स्वीकार करें। नेक्स्ट टाइम आप बेटर परफॉर्म करें, रिवीजन को बढ़ा दें। सारे टॉपिक्स आप कर रहे हैं, रिवीजन को आप साथ साथ करें। डेली जो 10 टॉपिक्स आप कर रहे हैं तो साथ में दो पिछला टॉपिक को आप रिवाइज के रूप में कर लें, तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। चलिए, कुछ लोग बुक्स के बारे में पूछते रहते हैं। 3 गाइड बुक्स हम लोग कर रहे हैं, उसका फेस दिखाने की बातें कर रहे हैं, तो आज आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए क्राउन का है, ये क्राउन का सामान्य ज्ञान के रूप में आता है, रितेश कुमार जी इसके ऑथर हैं। दूसरा आपका ये लूसेंट का, ये भी देखिए ब्लू कलर में, ये लूसेंट का जीके है। ये छोटे रूप में है, ये पुराना है, ये ओल्ड वर्शन है। अब दरअसल ये इस रूप में आता है, देखिए अब इसका साइज़ बड़ा हो गया, तो ये साइज़ अब इसके बड़े हो चुके हैं, तो ये आप नए वर्शन वाला ये वाला लेंगे तभी आपको पेज नंबर मिलेगा। चूँकि इसमें आपको पेज नंबर का जिनको दिक्कत हो रहा है वो कारण ये है कि वो नए वाले वर्शन से नहीं बना रहे हैं। पुराने में भी सेम ही टॉपिक है, आप खोज लें अगर तो बेस्ट है, नहीं तो फिर नए जो नया एडिशन है 2018 का वो आपको लेना पड़ेगा। प्लस ये कि आप यूनिक के बारे में बात करते हैं, तो यूनिक का तो हमने पहले भी दिखाया था। ये देखिए, ये इसका फेस है आपको, यूनिक गाइड 2018 का ऑरेंज कलर का ये आता है। इसका इलाहाबाद के नाम से ये फेमस है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको, चूँकि यूनिक के नाम से दो गाइड आता है इसलिए कन्फ्यूज़न होता है। दोनों दिल्ली से ही आता है लेकिन ये वाला इलाहाबाद के नाम से फेमस है, और इसमें IPS ब्रिजलाल जी जो हैं उनका फिगर रहता है, फ़ोटो रहता है, तो इसे आप कन्फर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आज के इस सेट को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से है। आज का पहला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शीर्ष अधिकारियों को, जो टॉप के ऑफिसर्स थे, उनको कितना सैलरी मिलता था, ए बी सी या फिर डी। इन्हें तीर्थ कहा जाता था या महामात्र, तो इसका आंसर हो जाएगा 48,000 पण। सबसे टॉप के जो ऑफिसर्स थे, पुरोहित, सेनानी, महामात्र, उन्हें 48,000 पण। पण का मतलब चांदी के सिक्के। आज का दूसरा क्वेश्चन, 1838 में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, किसने इसकी स्थापना की थी 1838 में, पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ए बी सी या फिर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारिकानाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर, दादा द्वारिकानाथ टैगोर। जमींदारों की यह सभा थी जो भारत की पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आज का तीसरा क्वेश्चन, मेगास्थनीज के इंडिका के जानकारी का स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। इंडिका ओरिजिनल रूप में नहीं उपलब्ध है, दरअसल इसका स्रोत कहीं और से मिलता है, तो ये कौन है निम्नलिखित में से आपको बताना है, ए बी सी या फिर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी, चूंकि ओरिजिनली ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन एरियन स्ट्रैबो, डियोडोरस, इन लेखकों ने इसका उल्लेख किया है कि इंडिका किस रूप में उपलब्ध था। आज का चौथा क्वेश्चन, नाथूला दर्रा यानी नाथूला पास यानी क्रैक, पहाड़ों में जो मिलता है पतले रास्ते, ये कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। आपको आज ही सारे दर्रे, ये हिमालय जो आपको टॉपिक दिया गया है उसमें पासेज आया होगा, आपको सारे पासेज पढ़ने हैं, दक्षिण के भी। आप थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, ये सब दक्षिण के दर्रे हैं, पासेज हैं, तमिलनाडु केरल के आसपास, इन्हें भी आप याद रखें। आज का पांचवा क्वेश्चन, हवा में लटकते हुए जड़ एयरी रूट्स किस वर्ग में आते हैं, क्या कहलाते हैं, ए बी सी या फिर डी। ये एक टफ क्वेश्चन है, आप इसे सोच कर, समझ कर, पॉज कर आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अधिपादप मूल यानी एपिफाइटिक रूट। आपको हमने
मॉर्फोलॉजी दिया था पिछली बार टॉपिक, उसमें जड़, तना, पत्तियां ये सब पढ़ना था, उसी में ये लटकते हुए पौधे जिनमें ऑर्किड इसका एक एग्जाम्पल है। आज का छठा क्वेश्चन, कोहरा, बादल, कुहासा यानी मिस्ट, क्लाउड और फॉग किसका एग्जाम्पल है? बढ़िया से सोच ले, ये सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है विलियन का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गैस में द्रव। वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं और फिर पानी के जलवाष्प उसमें जब मिल जाते हैं तो ये बादल या फिर कुहासा जैसे तत्व बन जाते हैं। तो ये दरअसल गैस में लिक्विड का मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। अब देखिए यूनिक में, माफ करें लुसेंट में, क्रॉन में, सब में बॉक्स बनाकर विलियन टॉपिक में केमिस्ट्री में आप खोजें। और पिछली बार हम लोगों ने शायद एक बार किया भी है इसे, इसे आपको याद रखना चाहिए। दूध कैसा मिक्सचर है, शेविंग क्रीम कैसा मिक्सचर है, तो ये सब आपको जानना चाहिए। मलाई जो क्रीम है ये कैसा मिक्सचर है, लिक्विड में लिक्विड, सॉलिड में लिक्विड या फिर किस तरह का लिक्विड। तो विलियन टॉपिक में सॉल्यूशन में ये सब आपको मिल जाएंगे, एग्जाम्स में आ चुके हैं। दूध का एग्जाम्पल कई बार पूछा जा चुका है। आज का सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साइक्लोन की आंख कहलाता है, चक्रवात की आंख। हम लोगों ने साइक्लोन किया है अगर आपने पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चक्रवात का केंद्र, सेंटर ऑफ द साइक्लोन, जहां पर प्रेशर सबसे कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आज का आठवां क्वेश्चन, जीवित जड़ पुल यानी लाइव रूट्स ब्रिज, जो जिंदा जो जड़ हैं उनके ब्रिजेस कहां पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में। अभी हम लोगों ने देखा कि एपिफाइटिक जो रूट्स हैं जो जमीन के अंदर नहीं जमीन के बाहर लटकते रहते हैं, इनके मोटे जड़ दरअसल मेघालय में पुल बनाकर यूज होते हैं, नदियों के इस पार से उस पार, छोटे छोटे कैनाल को पार करने के लिए। इधर के वृक्ष के ये रूट्स जो हवा में झूल रहे हैं उनका पुल बनाकर दूसरी तरफ बांध दिया जाता है, तो ये लाइव रूट्स जीवित जड़ पुल कहलाते हैं। आज का नवा क्वेश्चन, किस जनगणना में महाविभाजक वर्ष देखने को मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एग्जाम में आता है, अधिकतर स्टूडेंट्स इसे जानते होंगे, आपको बताना है ए बी सी या पी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1911 से 1921 का जो डिकेट था जिसका रिपोर्ट 1921 में आया, इसमें पता चला कि जनसंख्या बढ़ी नहीं घट गई यानी माइनस में चली गई, तो ये ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहलाता है। आज का दसवां क्वेश्चन, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा भेजे गए प्रतिवेदनों को, रिकमेंडेशंस को, ऑडिट्स कौन कौन ऑडिट करता है, जांच कौन करता है। संसद में जब ये अपने रिपोर्ट्स पेश करते हैं सीएजी, सरकारी खर्चों का जो पूरा डिटेल्स है इसमें रहता है, तो इसकी जांच कौन करता है, कौन सी कमेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोक लेखा कमेटी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसका अध्यक्ष यानी चेयरमैन, एक परंपरा है कि विपक्ष का कोई नेता होता है। आज का 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मिसमैच्ड है। 11वां क्वेश्चन आपको मिसमैच्ड देखना है, कौन सुमेलित नहीं है, सोच लें, चार चॉइसेस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विसुवियस। विसुवियस दरअसल जापान में नहीं, ये मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में, इटली में पाया जाता है, ये सब सारे जो हैं ज्वालामुखी हैं। तब 12वां क्वेश्चन, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी, 1942 आंदोलन के समय यह स्टेटमेंट इनका सामने आता है। आज का 13वां क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के दौरान ये जो द्रव्यमान में कमी है, क्षति है, वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ये दरअसल किस सिद्धांत से मेल खाता है। आपको देख नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शंस, उसी से बताना है इसके आंसर। जब भी न्यूक्लियर का विखंडन होता है तो इसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है और यही ऊर्जा में बदल जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने दिया था ई बराबर एम सी स्क्वायर, यानी एनर्जी मास और वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसके बराबर होगा। 14वां क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट में अगर इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाए, सब्सिडी को जोड़ दिया जाए तो क्या इसमें से प्राप्त होगा, देख लें। अगर आपने नेशनल इनकम किया है, हम लोगों ने भी एक दिन टॉपिक में किया था, क्राउन लोसेंट सब में दिया हुआ है, यूनिक में भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये कौन सा आंसर है, सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट। 15वां क्वेश्चन, वायुमंडल के किस परत में ओजोन लेयर पाया जाता है? मोटे तौर पर चार लेयर्स हैं रफली, इसमें ओजोन लेयर किस लेयर में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, रफली 15 से 35 किलोमीटर के बीच या 18 से 32 किलोमीटर के बीच इस तरह का ओजोन मंडल पाया था, जहां पर ओजोन गैस की का संकेंद्रण है जो हमें सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। आज का याद रखें कि ओजोन परत का क्षरण होता है सीएफसी से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ओजोन डिप्लेशन। आज का 16वां क्वेश्चन, डोवर जल संधि, डोवर स्ट्रेट किसे जोड़ती है? देखिए हम लोगों ने स्ट्रेट किया हुआ है, अगर आप इसे गलत करेंगे तो इसका मतलब है कि आप भूल चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। आज का 17वां क्वेश्चन, मौर्य काल में रज्जुक क्या था? देखिए हमने कई बार कहा कि अधिकारियों को आपको याद रखना है, पौतवाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, रज्जुक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यायिक अधिकारी, लॉ ऑफिसर। आज का 18वां क्वेश्चन, बिजली के पंखे में किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे भी रेगुलर रिवाइज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, जब आप बत्ती ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लो करता है और पंखे को घुमाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा हमें हवा देती है। आज का 19वां क्वेश्चन, अवैध और अनाधिकार, इलीगली अगर कोई अपने पोस्ट पर बैठा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो इस पर किस तरह के रिट न्यायालय जारी करता है, कोर्ट्स जारी करता है? आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट्स जारी हो सकते हैं, तो ये लाइन पढ़ के आपको ध्यान से आंसर करने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुओ वारंटो, न्यायालय पूछती है कि आप किस अधिकार से अपने पद पर बैठे हुए हैं, आर्टिकल 32। आज का 20वां क्वेश्चन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का टोटल टेन्योर क्या था? पहले राष्ट्रपति कितने साल तक अपने पद पर रहे उपराष्ट्रपति? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 ईयर्स, 2 कार्यकाल के लिए। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन, 5-5 साल, 2 टर्म के लिए, 52 से 62। आज का 21वां क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसे आपको गलत नहीं करना है, आपको हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाएं बहुत पहले करवाने के लिए कहा था, आपको दिया था हमने टॉपिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1948, इसे आपको गलत नहीं करना था। अगर आपने टॉपिक पढ़ने के बाद गलत किया है तो आप रिवाइज बढ़ाइए, रिवीजन कीजिए। आज का 22वां क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? 2 दिन पहले ही हमने ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने लिया है, तो आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, जिसका पुराना नाम GATT था, GATT, GATT। आज का 23वां क्वेश्चन, वाट घंटा यानी वाट आवर किसका यूनिट है? वाट घंटा, तो इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी। कल ही हम लोगों ने कार्य ऊर्जा और शक्ति लिया था, उसमें 2 पेज का सिर्फ अब ये टॉपिक था, एक एक लाइन को आपको पढ़ना था। तो एनीवे, इसके आंसर सही होने चाहिए आपके। 24वां क्वेश्चन,
भारत में सबसे कम साक्षरता लीस्ट लिटरेसी रेट कहां है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, सबसे कम पूरे भारत में। सबसे अधिक आप जानते हैं केरल। 25वां क्वेश्चन, परुशनी जिसे रावी के नाम से हम जानते हैं, इसके किनारे 10 राग युद्ध लड़ा गया, इसमें किसकी विजय हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, 10 राग युद्ध का, 10 राजाओं की लड़ाई। तो इसका आंसर हो जाएगा सुदास, भरत वंश का राजा सुदास इस युद्ध में विजय हुए। तो ये याद रखना है, ये परुशनी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। आज का 26वां क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस किसने चलाया? इस अलायंस को करने की नीति, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति उसका जनरल कौन था? सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डुप्ले। फ्रांसीसी जनरल डुप्ले ने सबसे पहले इसे यूज किया था, जबकि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों में ईस्ट इंडिया कंपनी के वेलेसली ने दरअसल सहायक संधि जिसे हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले 1798 में अपनाया था। इसमें देसी रियासतों के नवाबों राजाओं को दरअसल सैनिक सहायता के बदले अंग्रेजी जनरल्स अपने अधीन कर लेते थे। आज का 27वां क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर, इसे आप टाइम लेकर बनाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी। 9 अगस्त को अगले दिन सुबह सुबह ही पूरे भारत में 1942 में सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। आज का 28वां क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपटल यानी अर्थ क्रस्ट ऊपरी परत पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? भूपटल पे बहुत आसान, लिथोस्फीयर में हम लोगों ने किया है, ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसके बाद सिलिकन और तब एल्यूमिनियम, टॉप 3 डिपॉजिट्स हैं। लगभग 40% ऑक्सीजन पाया जाता है। आज का 29वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश एरिया वाइज कौन है? सोच ले रुक कर। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस, रूस के बाद कनाडा और तब अमेरिका, टॉप 3 एरिया वाइज भारत का 7वां पोजीशन है। आज का 30वां और अंतिम, बिहार पंचायती राज अधिनियम यानी एक्ट किस किस वर्ष आया? समझ लें, टाइम ले लें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1993 और 2006 में ये दोनों एक्ट, संशोधनात्मक एक्ट भी आए। तो ये 30 टॉप के क्वेश्चंस थे, आपका काउंटिंग होना चाहिए और अच्छे स्कोर्स उम्मीद है कि आपने किए होंगे। नेक्स्ट अच्छा सा एक टॉपिक फिर जल्द आएगा, आप मेहनत को अपने जारी रखें, रिविजन करते रहें, एग्ज़ाम में ये आपको हेल्प करेगा। बिना रिवीजन के एग्ज़ाम में फिर दिक्कतें आ सकती हैं, तो रिवीजन भी करना है, टॉपिक्स भी करना है। जल्द से एक और टॉपिक आएगा, तब तक आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।